friends, good morning. Today I'm going to explain to you question number 7 of cash book. Cash book. Commenced business with cash. Enter the following transaction in the 3 column cash book. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था type of cash book, 2 type of cash book, main cash book and petty cash book. Main cash book divided into 3 part, single column cash book, double column cash book and 3 column cash book. Single column cash book include only cash column, double column cash book include cash and discount, bank and discount and cash and bank column. 3 column cash book include discount, cash, bank, discount, cash and bank column are known as 3 column cash book. हम लोग पिछली वीडियो में ही जान चुके थे, all receipts are debited and all payments are credited. Increase in cash or bank balance are debited. Decrease in cash or bank balance are credited. Once again, मैं repeat करने जा रहा हूँ. Enter the following transaction in a 3 column cash book. Commence business with cash rupees 50,000. Commence business with cash rupees 50,000. Second transaction लिख रहा है deposited in bank rupees 40,000. इस 50,000 रुपये में 40,000 रुपये बैंक में जमा करा दिया तो बैंक का बैलेंस 40,000 से बढ़ गया, लेकिन कैश का बैलेंस 40,000 से घट गया. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक. बोथ साइड ऑफ कैश बुक आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. ये कौन सा कॉलम है हमारा? कैश. तो मैं क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट. ये कौन सा कॉलम हमारा? बैंक. तो मैं क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन. रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेब्ट ऑफ रुपीज 1,000. देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 50. मोहन जिससे हम 1,000 रुपए पाते थे फुल और फाइनल, कितना रिसीव किया? 950. देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1,000 रुपए के बदले 950 रुपए हमने रिसीव किया तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो गया? 50 रुपीज. बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 बाई परचेज अमाउंट रुपीज 10,000. नेक्स्ट सेंटेंस बॉट गुड्स बाय चेक. इस बार जो खरीदा हमने कैश खरीदा और पेमेंट किससे जा रहा है? चेक से जा रहा है. किससे जा रहा है? चेक से जा रहा है, इसलिए हमने इसे बैंक कॉलम में लिखा. बॉट गुड्स बाय चेक सोल्ड गुड्स फॉर चेक रुपीज 20,000 एंड द डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे. चेक रिसीव्ड एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन टू बैंक आर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट चेक रिसीव बट नॉट ये डिपॉजिटेड इन टू बैंक आर रिकॉर्डेड इन चेक इन हैंड कॉलम. सोल्ड गुड्स फॉर चेक फॉर सेल्स रुपीज 20,000. नेक्स्ट सेंटेंस पेड टू अरुण बाय चेक 1,900. पेड टू अरुण, किसे हमने पेमेंट किया? टू अरुण अकाउंट. पेमेंट मेड बाय चेक और कैश? पेड बाय चेक 1,900 अगेंस्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट रुपीज 2,000. देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 100. नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 1,000. बैंक से 1,000 रुपया निकाल लिया, रिजल्ट ये हुआ बैंक का बैलेंस घट गया और कैश का बैलेंस बढ़ गया. अभी जस्ट मैंने आपको क्या कहा? When the transaction are recorded on the both side of cash book are known as contra entry. Known as contra entry. Bank मैं लिखूंगा by cash. कौन सा कॉलम है? Bank. तो क्या लिखूंगा? Cash. कौन सा कॉलम है ये? Cash. तो मैं लिखूंगा bank. अब मैं इसे बैलेंस करने जा रहा हूं. अब मैं इसे क्या करने जा रहा हूं? बैलेंस करने जा रहा हूं. मैं टोटल डिस्काउंट
50 and rupees 100. Discount column are not balanced. Total of debit is recorded in debit side and total of credit recorded in credit side. Why? Cash and bank column are balanced. Total of cash 51,950 minus 50,000. Therefore, cash in hand balance CD rupees 1950. Bank balance 40 plus 20 are equal to 60,000 minus 15,000 minus 2,900 equal to 42,100. दोस्तों हमने क्या लर्न किया, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री. एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. और ये कितना सिचुएशन हो सकता था, दो सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. और दूसरा केस क्या था, व्हेन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. थैंक यू फ्रेंड्स.